नमस्कार, आवाज में आपका स्वागत है। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि इस दौरे मुनसिफी में जरूरी नहीं वसीम कि जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जेल है जहाँ इस वक्त खुशी दुबे बंद है। खुशी दुबे जब बंद है तो ऐसे में कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खुशी दुबे को जेल में क्यों डाला हुआ है। तो इसके लिए हमको अब से 1.5 साल पीछे जाना होगा। आपको बता दूं कि 29 जून को कानपुर में एक जगह ऐसी थी जहां शादी हुई थी। खुशी दुबे की शादी हुई थी एक व्यक्ति से, लेकिन वो व्यक्ति दरअसल एक माफिया का, एक बड़े अपराधी का, एक गैंगस्टर का शूटर था। जिसके बाद एक दिन आता है, तारीख होती है 2 जुलाई 2020। ये वो रात थी जिस रात में 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। नाम आता है विकास दुबे और उसके गुर्गों का। इसके बाद उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाता है और कानपुर आने से पहले ही उसकी गाड़ी पलट जाती है और उसका शूटआउट हो जाता है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि खुशी दुबे के जिस शख्स से शादी हुई थी वो इसी विकास दुबे का शूटर था। नाम था अमर दुबे। शादी के 3 रोज ही हुए थे कि ये कांड हो गया। कांड का नाम है बिकरू कांड। बिकरू कांड के 1 हफ्ते बाद ही अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया। मतलब खुशी दुबे 10 दिनों के अंदर ही विधवा हो गई। ये कम था कि तब तक पता लगा कि खुशी दुबे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तब से लेकर आज तक 1.5 साल हो चुके हैं खुशी दुबे जेल में बंद है। हाईकोर्ट से भी उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। अब आपको दो पहलुओं पर चर्चा के लिए ले जाता हूं। पहला पहलू ये है कि खुशी दुबे 1.5 साल से जेल में बंद है। उसकी खता बस इतनी थी कि उसने अमर दुबे से शादी की थी और शादी के बाद एक तारीख आती है 2 जुलाई जिसमें उसका पति भी शामिल था और इस पूरे कांड को लेकर उसके पति का इनकाउंटर किया गया था। लेकिन खुशी दुबे आज तक जेल में ही बंद है। अब आपको बताते हैं कि एक और कांड है जिसको नाम दिया गया था लखीमपुर खीरी कांड। इसमें राज्य मंत्री का बेटा, उसकी गाड़ी एक घटना में पाए जाते हैं। गाड़ी का तो साफ हो जाता है लेकिन बेटे पर आरोप है और 129 दिनों के बाद उसको बेल भी मिल जाती है। जुडिशरी में कहावत है कि बेल आरोपी का अधिकार है, लेकिन एक और चीज़ है जो शायद शांति से कही जाती है, वो ये है कि जो सक्षम है ये उन्हीं का अधिकार है कि कैसे एक राज्य मंत्री के बेटे को बेल मिल गई 129 दिन के अंदर। और ये महज इत्तेफाक है कि चुनाव भी चल रहे हैं और जब 2 चरण जहां पे किसान आंदोलन का प्रभाव था वो चरण समाप्त हुए और उसी दिन उसी के बाद उसके बेटे को जमानत मिल गई। लेकिन एक खुशी दुबे है जिसको अभी तक जमानत नहीं मिली। ऐसे में ब्राह्मण समाज खुशी दुबे की जेल में होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उनको लग रहा है कि ब्राह्मणों के साथ ये बड़ा धोखा किया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन और साथ ही साथ शासन जानबूझकर ब्राह्मणों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं कावेंद्र चौहान ये कह रहा हूँ, क्या खुशी दुबे जेल के अंदर से चुनाव लड़ रही है? इस रिपोर्ट को देखिए। ये वीडियो 29 जून 2020 का है, मतलब बिकरू कांड से 3 दिन पहले का। इस वीडियो में एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे साफ नजर आ रहा है। दूल्हा अमर दुबे, जो कि विकास दुबे का शार्प शूटर था, ये भी शूट कर मार गिराया जा चुका है और अमर दुबे की दुल्हन खुशी दुबे इस वक्त जेल में है। विकास दुबे अमर दुबे के अलावा तस्वीरों में एक और है जो कि दरअसल अपराध पर लगाम लगाने के लिए थाने में बिठाया गया था। नाम है के शर्मा। ये वही सब इंस्पेक्टर है जो अभी जेल में है और इसी पुलिस वाले ने पुलिस टीम के आने की मुखबिरी की थी। 29 जून को सब कुछ साधारण सा ही था। एक माफिया था, पुलिस थी, शादी थी और खुशी खुश थी। इसके 3 दिन बाद 2 जुलाई को एक शाम आती है। ये शाम उत्तर प्रदेश में माफिया राज की तस्वीर को साफ करती है। पुलिस टीम अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंचती है, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले उनके पहुंचने की खबर विकास दुबे तक पहुंच जाती है।
विकास दुबे तैयार था, उसके शूटर तैयार थे, पुलिस टीम भी तैयार थी। इसके कुछ ही घंटों के बाद बिकरू में गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे यूपी को दहला देती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के फोन की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। यूपी पुलिस जख्मी हो जाती है क्योंकि उसके 8 सदस्यों की जान चली जाती है। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई हो जो इसके बाद पुलिस की विकास दुबे को मार गिराने की बेसब्री को महसूस न कर सका हो। खैर, दिन बीतते हैं और एनकाउंटर होते हैं, सभी शूटर एक एक कर मार गिराए जाते हैं। इन्हीं में से एक अमर दुबे को भी हमीरपुर में एसटीएफ मार गिराती है। और उसी रोज खुशी दुबे, जो आपको इस पैकेज की सबसे शुरुआत में नजर आई दुल्हन थी, वो विधवा हो जाती है। वक्त आगे बढ़ता है, तारीख आगे बढ़ती है, 9 जुलाई आती है, विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर पुलिस की गिरफ्त में नजर आता है। गिरफ्तारी के बाद जैसे हर किसी को इस बात का इल्म था कि विकास दुबे शायद ही यूपी बॉर्डर के अंदर दाखिल हो सकेगा। ये वो भविष्यवाणी थी जो उस रोज हर कोई कर रहा था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं हूँ विकास दुबे, कानपुर वाला। जिस गाड़ी में था वो गाड़ी कानपुर पहुंचने से पहले ही दरअसल पलट गई और विकास दुबे को फिल्मी अंदाज में मार गिराया गया। कहानी खत्म हुई। लेकिन ठहरिए, आतंक अंत यही नहीं हुआ। जांच चली, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। विकास दुबे की पत्नी लखनऊ में अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रही है और आगे बढ़ चुकी है। लेकिन एक और पत्नी है जो कहां है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। वो पत्नी जो चंद रोज विधवा हो गई है, वो कहां है? तो जवाब है, वो जेल में है। जेल में इसलिए है क्योंकि उसने 3 दिन अमर दुबे की पत्नी के तौर पर गुजारे थे। शूटर अमर दुबे की पत्नी को 3 दिन की सजा कुछ यूं मिली है कि वो 1.5 साल से सलाखों के पीछे है। एक लड़की जिसका नाम खुशी है, शादी के चंद रोज बाद विधवा हो गई। सितम यही नहीं रुका तो जेल में जिंदगी बिता रही है। और आज हर कोई पूछ रहा है कि खुशी की खुशियों को छीनने का हक आखिर किसने दिया है, किस वजह से विकास दुबे और उसके शूटरों की सजा उसको मिल रही है। जब किसानों को कुचलने के मामले में राज्य मंत्री के बेटे को 129 दिन में जमानत मिल गई, तो बस एक शूटर के नाम की मेहंदी लगाने की सजा खुशी दुबे को आखिर क्यों दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देख ली। इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ हुआ वो आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने खुशी दुबे की मां को टिकट दिया और चुनाव लड़ने का न्योता दिया। उनकी मां गायत्री तिवारी पूरी तरह से तैयार भी थीं, मैदान में भी थीं, लेकिन उससे पहले ही मतदाता सूची में नाम ना होना एक बड़ी गड़बड़ हो गया। और अब बताया जा रहा है कि गायत्री जी की जगह पर नेहा तिवारी चुनावी मैदान में हैं। नेहा खुशी दुबे की छोटी बहन है और अब वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इससे पहले जो सवाल है वो बहस इतना सा ही है कि आखिर क्यों और कैसे अब तक, आज की तारीख तक, खुशी दुबे को जमानत नहीं मिल सकी, और क्यों आखिर खुशी दुबे सलाखों के पीछे है, और क्यों आखिर सब कुछ, सब तस्वीरें साफ नहीं हैं कि आखिर 29 जून से 2 जुलाई तक अपने पति का साथ पाने वाली खुशी दुबे और महज 10 दिनों के अंदर विधवा हो जाने वाली खुशी दुबे आज तक सलाखों के पीछे क्यों है। इसी सवाल के साथ आज आपको छोड़कर जाता हूं और इस पर जरा सा आपको भी विचार करने की आवश्यकता है। बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जहां अंधेरा है और रोशनी के किरण की जरूरत है, वहां आवाज की टीम हमेशा किरण जलाने की कोशिश करती रहेगी। शुक्रिया।